हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम फ्रेजल वर्ब की स्टडी करेंगे और फ्रेजल वर्ब इस समय सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एकदम हॉट टॉपिक है। चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, उसमें फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू फ्रेजल वर्ब्स समझाऊँगा और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं। When my friend was walking in the ruins of the palace, जब मेरा फ्रेंड पैलेस यानी महल के खंडर में घूम रहा था, चल रहा था, his eyes alighted on a magic band, उसकी आंखें जो हैं एक मैजिक बैंड पर पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेज हमने यूज़ किया है अलाइट ऑन। अलाइट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर नज़र पड़ना। ठीक है, He typed a report on his discovery. When he began to read it, his eye alighted on the mistakes. जब उसने रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को उसने पढ़ा, तो उसकी नज़र जो पड़ी वो मिस्टेक्स पर पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब्स को तैयार करना होता है। He had made in the report. ठीक है, मिस्टेक्स आर नॉट डन, दे आर मेड। हमेशा ध्यान रखिए कि मिस्टेक्स के साथ हम मेक वर्ब का प्रयोग करते हैं, डन का प्रयोग या डू का प्रयोग नहीं करते। मिस्टेक्स आर नॉट डन, दे आर मेड। ठीक है, इस सेंटेंस का यह मतलब है, यू मेक अ मिस्टेक व्हेन यू रूडली जॉइन इन अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर। जब दो व्यक्तियों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है और आप उसके बीच में जाते हैं और उसको इंटरप्ट करते हैं, तब आप क्या करते हैं? ठीक है, आई मीन यू इंटरप्ट देम बाय बटिंग इन। आप बट इन करते हैं, दो व्यक्तियों की कोई पर्सनल टॉकिंग चल रही है और आप बीच में चले जाते हैं, उस टॉक को इंटरप्ट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बट इन। ठीक है, यू इंटरप्ट देम बाय बटिंग इन। व्हेन यू बट इन ऑन अ डिस्कशन, यू इंटरप्ट समबडी एंड दिस शोज अ लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बट इन करना सही नहीं माना जाता। यदि दो व्यक्तियों के बीच में डिस्कशन चल रहा है और आप अचानक से जाते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं, उनको बट इन करते हैं, तो दिस शोज समथिंग अबाउट योर एजुकेशन, दिस ऑल्सो शोज समथिंग अबाउट योर अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का क्या मतलब है? अपब्रिंगिंग का मतलब होता है किसी को पालना, किसी का पालन पोषण करना। अपब्रिंगिंग मीन्स हाउ अ पर्सन इज ब्रॉट अप। ठीक है, ब्रॉट अप का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का पालन पोषण करना, उसको ब्रिंग अप करना। ठीक है, हाउ ही और शी इज लुक्ड आफ्टर एंड गिवन पर्टिकुलर बिलीफ्स एंड वैल्यूज। लेकिन ब्रिंग अप के कई और मीनिंग होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं। यहां पर हम आगे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट। ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट का अलग मीनिंग निकलता है। व्हेन यू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट, यू इंट्रोड्यूस इट इनटू अ डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण भी करना होता है, बच्चे के सेंस में जब हम यूज करते हैं। और व्हेन यू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट, यू इंट्रोड्यूस इट इनटू अ डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन। सपोज आप स्पीच दे रहे हैं, सपोज आप एक अच्छे ऑरेटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ब्रिंग अप अ सब्जेक्ट। यू मस्ट नो इट हाउ टू ब्रिंग अप अ न्यू टॉपिक इफ यू फैंसी बींग अ गुड ऑरेटर। नाउ वॉट हैपन्स वैन यू ब्रिंग अप फूड। ब्रिंग अप फूड का मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन यू इंट्रोड्यूस फूड, इट सिंपली मीन्स यू टेक इट आउट और यू वॉमिट इट। ब्रिंग अप फूड का मतलब होता है उस फूड को बाहर निकाल देना और वॉमिट कर देना। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई पीपल से इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई फॉरगॉट वन थिंग, व्हाट इज फैंसी। फैंसी इज अ वेरी फैंसीफुल वर्ड। फैंसीफुल वर्ड मीन्स इट्स अ हाईली ऑर्नामेंटल वर्ड। फैंसीफुल इज समथिंग दैट इज ऑर्नामेंटल। लेकिन फैंसी के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। डू यू फैंसी अ ड्रिंक विथ मी। डू यू फैंसी अ ड्रिंक विथ मी, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स डू यू वॉन्ट और हैव अ ड्रिंक विथ मी। तो फैंसी का मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना या किसी चीज़ को करने का मन करना, उसके लिए हम इस फैंसी वर्ड को यूज करते हैं। आई डू नॉट लाइक पीपल हु फैंसी देमसेल्व्स बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव। इफ यू फैंसी योर सेल्फ, इट मीन्स यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी अट्रैक्टिव। ओके, थाउजेंड्स ऑफ गर्ल इन इंडिया फैंसी शाहरुख खान।
आई ऑल्सो फैंसी गोइंग आउट विथ शाहरुख खान. ठीक है, तो इस सेंस में हम फैंसी वर्ड को यूज़ करते हैं. नाउ इनफ इज़ इनफ, इट इज़ बीइंग टू मच ऑफ फैंसी, लेट अस कॉल इट ऑफ. चलो इसको ख़त्म करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं. लेट अस कॉल इट ऑफ का मतलब होता है इसको कैंसिल करना, इसको अबेंडन करना, इसको छोड़ देना. इफ समथिंग इज डिफिकल्ट और बोरिंग, हाउ कैन बी पैग अवे एट इट. पैग अवे इट का मतलब क्या है कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है और बोरिंग है, उसके बावजूद भी आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको करते जा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड पैग अवे एट. हाउ कैन बी कीप डूइंग समथिंग इन ए डिटर्मिंड वे, स्पेशली वेन इट इज़ बोरिंग और डिफ़िकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, डोर टू डोर मार्केटिंग, बिकॉज डोर टू डोर मार्केटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग टास्क. इफ समबडी इंसिस्ट मी टू डू दिस डल एंड बोरिंग जॉब, आई विल प्रोबेबली टेल हिम ऑफ. यदि कोई व्यक्ति मुझसे बोलता है कि इस बोरिंग और डल जॉब को करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको टेल ऑफ कर दूंगा. आई विल टेल हिम ऑफ. आई मीन आई विल बी क्रिटिसाइजिंग हिम हर एंग्री, मतलब मैं उससे गुस्सा हो जाऊंगा और गुस्से में नाराज होकर उसको क्रिटिसाइज करूंगा. दैट इज कॉल्ड टेल हिम ऑफ. यू कैन टेल मी ऑफ इफ यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस वीडियो क्लास. आगे पढ़ते हैं. आई गेस आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज टू सेटिस्फाई माई सब्सक्राइबर्स बिकॉज दे एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड, बट आई डू नॉट बर्न माई सेल्फ आउट. बर्न माई सेल्फ आउट मीन्स अपने आप को थका लेना और अपने आप को थका के ख़त्म कर लेना या बीमार कर लेना. दैट इज़ कॉल्ड बर्न आउट. ओके, आई मीन आई डू नॉट एग्जॉस्ट और मेक माई सेल्फ सिक बाई वर्किंग टू हार्ड एंड एट ए हैक्टिक पेस. What do you mean by hectic? Hectic means very busy. Okay. Thankfully, I am not victim of burnout syndrome. Burnout syndrome क्या होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं. That is called burnout syndrome. You know, friend, getting successful nowadays calls for a perfect combination. Calls for means it demands a perfect combination of hard work and smart work. It demands hard work and smart work. But what people do when they do get success, when they do not get success despite hard work, they keep complaining about it repeatedly in a very tedious way. I mean, they keep harping on about it. They keep harping on about it. Now let us talk about the SBI PU exam. There are many barriers on this road and you have to break through these barriers. यदि आप किसी बैरियर को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, तो इट मीन्स के आप सक्सेसफुली उससे डील करना चाहते हैं. आई मीन यू हैव टू डील विद दीज ऑब्स्टिकल्स और डिफ़िकल्टी सक्सेसफुली. आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक थ्रू द लेयर्स सराउंडिंग द मिस्ट्री ऑफ गेटिंग सक्सेस इन SBI PU एग्जाम. टू ब्रेक थ्रू मीन्स टू मैनेज टू सक्सीड. It was a cloudy day, but the sun broke through in the afternoon. यहाँ पर ब्रोक थ्रू का क्या मतलब है? यहाँ पर ब्रोक थ्रू का मतलब है कि सन अपीयर्ड. ठीक है, तो आपने देखा इस वीडियो क्लास में कि एक ही फ्रेजल वर्ब के कितने सारे मीनिंग निकलते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वन वर्ड और फ्रेज कैन कन्वे सेवरल मीनिंग्स. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. ये वीडियो क्लास कैसा लगा और ये एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.